21 नवंबर से माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ होगी। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना कर सकता है, उनकी सुरक्षा में चूक न हो। इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, अगर कोई घटना अगर राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी अगर सुरक्षा में कोई चूक होती है। मुझे पूरी तरह से शंका है, इसलिए मैंने कल भिंड जिले में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी की भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उस यात्रा पर हमला किया गया और गोली चालन भी हुआ है। मध्य प्रदेश और पूरे देश में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है और ऐतिहासिक लोग उनकी भीड़ उनकी यात्राओं में सम्मिलित हो रहे हैं, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में भी जो भिंड में हुआ, ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में भी बौखलाहट है। और मुझे पूरी आशंका है कि जो भारत यात्रा राहुल जी की 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में आने वाली है, उस दरमियान भी कोई इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में न हो। मैं प्रदेश की सरकार को और विशेष रूप से गृह मंत्रालय के मंत्री जी को चेता देना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा के दरमियान इस तरह की कोई घटना न हो, ये जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये पूरी जिम्मेदारी ले कि उनकी सिक्योरिटी की पूरे पूरा ख्याल मध्य प्रदेश सरकार रखेगी और शांतिपूर्वक ये यात्रा मध्य प्रदेश से निकलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उनको यात्रा को, पूर्ण बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में है। नमस्कार। कल भिंड जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब यात्रा ग्वालियर सीमा पर पहुंचने वाली थी, उस समय ही किसी व्यक्ति ने वहां पर फायरिंग करने का प्रयास किया था, जिसके बारे में डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी कल उल्लेख किया है। जैसे ही राहुल जी की यात्रा जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, जैसे ही मध्य प्रदेश के पास आ रही है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो शायद प्रयास करेंगे कि कोई विपरीत घटना हो जाए। और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मूल संदेश है कि पूरे देश में प्रेम सद्भाव रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, तो ऐसे समय में अगर कोई विपरीत घटना होती है तो इससे बहुत खराब संदेश जाएगा मध्य प्रदेश के प्रति। मेरा विशेष आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि जब राहुल गांधी जी प्रवेश करेंगे 20 तारीख को मध्य प्रदेश में, लगभग 2 हफ्तों के लिए उनकी यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी, ऐसे समय पे जिम्मेदारी बनती है प्रदेश सरकार की, हर व्यक्ति की, कि माहौल मध्य प्रदेश में उस समय सकारात्मक रहे। क्योंकि आखिर जिन राज्यों में राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, उन राज्यों में कोई चुनाव भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राहुल जी का एक ही संदेश है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और इसी आधार पे हर व्यक्ति जो पूरे मध्य प्रदेश में आज के समय पैदल चल रहे हैं, अलग अलग जिलों में, जिस तरह डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में ग्वालियर में निकाली जा रही भारत जोड़ो की उप यात्रा के दौरान देशी कट्टा के साथ में एक युवक पकड़ाया है, वह घटना सीधी तौर पर इंगित कर रही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा से और उसके मध्य प्रदेश में प्रवेश के पहले भारतीय जनता पार्टी हीन हथकंडों पर उतर आई है। और हमें आशंका है, जो हमारा इंटेलिजेंस का इनपुट हमें मिल रहा है, वह संकेत दे रहा है कि घबराई हुई वह सरकार जो पैसों के दम पर कमलनाथ जी को अभद्रस्त कर खरीदी हुई सरकार है, वो जाने की बेला में है। राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी दोनों के नेतृत्व से वो आशंकित है कि हमारे विदाई के क्षण निकट है और यही कारण है कि वो विघ्न पैदा कर सकती है। और यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसके जवाबदार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी
और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, मैं विशेष तौर पर जोर देकर कहूंगा कि इसमें विघ्न डालने का नेतृत्व मध्य प्रदेश के गृह मंत्री स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं, और जिस तरह वो आग में घी डाल रहे हैं वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यदि गृह मंत्री जी ही अराजकता फैलाना चाहते हैं तो प्रदेश की रक्षा कौन करेगा। मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो राहुल गांधी जी के मध्य प्रदेश पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश जयवर्धन सिंह ने कहा है कि यात्रा खिलाने का सुरक्षा मिले क्योंकि असामाजिक तत्व यात्रा में माहौल खराब करना चाहते हैं। यात्रा अच्छी चल रही है इसलिए गड़बड़ी फैलाने की साजिश की जा रही है। महाराजपुर थाने का मामला है, दशरथ सिंह गुर्जर जी के निवास की घटना है। नेता प्रतिपक्ष जी का जो प्रोग्राम जारी था वहां तक यात्रा को पूरी सुरक्षा मुहैया थी, हमारे पुलिस के जवान पैदल चले हैं साथ में बराबर, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, दो शराब माफियाओं की लड़ाई है। अब इससे अंदाज करें कि यात्रा में कौन लोग चल रहे हैं। जीतू गुर्जर जो इससे झगड़ा था वो अवधेश तोमर, झगड़ा ही शराब का था। किसको जोड़ने की यात्रा है ये? कृपा करें माफियाओं को न जोड़ें, जिस उद्देश्य से यात्रा है उस उद्देश्य की पूर्ति को रखें। कांग्रेस के लोग बिना जानकारी के जो शुरू हो जाते हैं, इसके बावजूद भी पुलिस ने 307 का प्रकरण दर्ज करके अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। कल इंदौर के खालसा कॉलेज में 10 बार के विधायक है कांग्रेस के मोहन सिंह राठवा। मित्रों देखो, अकेले राठवा जी 10 बार के विधायक को मत जोड़ो। आप तो जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है उस दिन से देखो झड़ी लगी हुई है। मैंने तब भी कहा था कि यात्रा समाप्त होते होते तक पूरी नहीं निबट जाए कहीं। अकेले राठवा जी 10 बार के विधायक नहीं है, इसके पहले गोवा के 8 विधायक चले गए थे। यात्रा चलते की बात कर रहा हूं, यात्रा प्रारंभ हुई थी तभी गुलाम नबी आजाद जी आजाद हो गए थे कांग्रेस से। उसके बाद में जितेंद्र प्रसाद, कपिल सिब्बल जी का आपने सुना होगा बयान, हार्दिक पटेल जी, सुष्मिता देव जी, सुनील धाकड़ जी, आरपीएन सिंह जी, जयवीर शेरगिली, कुलदीप बिश्नोई जी, 3 दर्जन से ज्यादा नेता है। मैं नाम लूंगा तो आप इतना लंबा चलाओगे नहीं। टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी है कांग्रेस में, और 10 बार के विधायक गुजरात से गए, इससे आप गुजरात के परिणाम का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। राहुल जी के नेतृत्व में ये कितने भी कोड़े खुद चला के खुद पे बरसा ले, लेकिन कोई लाभ अब इनको होने वाला है नहीं है। कांग्रेस का सूरज अब अस्ताचल की ओर है। मध्यप्रदेश में भी ऐसी तैयारी है क्या सर, कुछ लोगों के आना भी खड़ी लगी तैयार होगी? हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया है और यहाँ झड़ी की आवश्यकता भी नहीं है। आदिपुरुष फिल्म को लेकर आपने आपत्तियां